हेलो क्लास एट्थ बेटा, चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस। टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। हम आज यहां पर सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं, इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आई सजेस्ट यू इस वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक पार्ट इसका समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एन इक्वेशन इज़ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक इक्वेशन जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, विच एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करती है द इक्वलिटी, किसको, इक्वलिटी को, ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, किसी भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो इक्वल हों, यानी इक्वलिटी हो उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जिस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे x इक्वल टू 7, तो यहाँ पर इक्वलिटी बनी कि x जो है वो 7 के इक्वल है, या जो सेकंड वाला दे रखा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यानी x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो 9 है, यानी दो टर्म्स के बीच में आपको रिलेशन पता लग रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी इक्वलिटी आपको पता लग रही है। तो ये सब क्या है, इक्वेशंस हैं। अब बात आती है लीनियर इक्वेशंस की, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन्वॉल्व्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ डिग्री 1, जो लीनियर इक्वेशंस होती है वन वेरिएबल में, उसके अंदर जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। एंड कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, उसमें केवल एक वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल एक्स है या वाई है या जेड है या ए है या बी है, ये वेरिएबल्स होते हैं, इनमें से कोई एक ही होगा, दो एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती है। तो इसको हमें सॉल्व करने के कई तरीके हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास बता रखा है सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन, तो हमने क्या है सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, हम सेम नंबर बोथ साइड ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको एक्स माइनस 3 = 5 दे रखा है, तो x के पास जो क्वांटिटी प्लस या माइनस हो रही हो उसका अपोजिट वर्क कर लो आप, जैसे x माइनस 3 = 5 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है, तो आप दोनों तरफ प्लस 3 कर दो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको किस तरह करना है इसको, तो x माइनस 3 को लिखा, प्लस 3 लगाया और दोनों तरफ देखो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, दोनों तरफ प्लस 3 कर दिया, करिए ना, ठीक है। तो इधर तो कट जाएगा ये माइनस 3 + 3, तो x रह जाएगा और 5 3 8 हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर हमारे पास कोई सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो, जैसे x प्लस 7 वाला, तो x प्लस 7 = 15 है, तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ माइनस करना है, तो माइनस क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, प्लस 7 है, माइनस 7 कर दो और 15 - 7 कर दो, ठीक है। यानी दोनों तरफ एक ही वर्क करना है, जो हमने एक तरफ किया वही दूसरी तरफ, तो 7 से 7 कट जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 - 7 = 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब थर्ड है हमारे पास स्टूडेंट्स, 6x = 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x के पास 6 × x है, जब आपके पास इस 6x, 5x, 3x या कोई भी नंबर से किसी x की मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना होता है, तो दोनों तरफ आप डिवाइड करेंगे, अपॉन सिक्स कर देंगे, 6 से 6 यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 इधर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, इस तरह से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों तरफ आपका देखिए, यहाँ पर अगर डिवाइड का हो रहा है 7, जैसे डिवाइड में है, तो x अपॉन 7 लिखेंगे और इक्वल 4 लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, दोनों तरफ 7 की मल्टीप्लाई, 7 × 7 कट जाएगा और 4 × 7 = 28 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28, तो इस तरह से हमको वर्क करना है। तो एक अगला हमारे पास जो तरीका है करने का वो है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, किसी एक नंबर को सबसे पहले प्लस या माइनस जो भी हो उसको हमें जो है वेरिएबल के पास से हटाना होता है और दूसरी साइड में ले जाना होता है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि माइनस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस और मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, जब हम शिफ्ट करते हैं एक साइड से दूसरी साइड में, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, यानी एक साइड से दूसरी साइड जब हम किसी टर्म को ले जाते हैं तो वो ट्रांसपोजिशन होती है। तो इसको किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 7x - 3
प्लस 5x इक्वल टू 8x माइनस 11। तो सबसे पहले आपको x वाले टर्म को सॉल्व कर लेना है, यहाँ पर 7 5 12 हो जाएंगे आपके पास, 12x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 8x माइनस 11 को ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए 8x को आपको हटाकर इधर लाना है 12x के पास और 3 को ले जाना है इधर, तो इसके साइन चेंज जाएंगे, ठीक है। तो इधर तो हो जाएगा 12x पहले से लिखा हो, माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू माइनस का 11 पहले से ही लिखा हुआ है, और माइनस 3 को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 12 में से 8 माइनस हुए तो 4x बचेंगे इक्वल टू माइनस का ग्रेटर है 11, तो माइनस लगा कर माइनस आप क्या कर देंगे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 बच जाएगा, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 8, 4x कितना आ गया माइनस 8 आ गया आपके पास। तो x की आपके पास क्या हो जाएगी, तो आप फिर से वही करेंगे 4x इज इक्वल टू माइनस, जब 8 आ गया तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा दोनों तरफ, 4 से 4 कट जाएगा एक तरफ, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस 2। इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए अभी क्या आ गया था हमारे पास 4x इज इक्वल टू माइनस 8 आया ना, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं इस 4 को उठाकर जब नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4 इस तरह से भी कर सकते हैं, और 4 टू ज़ा 8 तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप कोई इस तरह की जो है प्रोसेस करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दे रखा है, टाइप 2 है इक्वेशन कंटेनिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर क्या है, आपको दोनों तरफ एक्स दिया होगा और कुछ प्लस माइनस में आपको क्वांटिटीज़ ज़्यादा दे रखी होंगी, है ना। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना होगा ब्रैकेट्स को। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखिए इस टर्म को और इस टर्म को आप पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब यहाँ से माइनस है ब्रैकेट के बाहर, आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन चेंज कर देगा आपको, तो 6 - 2 + x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 4 8 हो गया, -2 5 10 हो गया, माइनस से ओपन करेंगे 3 2 6 माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 3 9x हो गया, ठीक है। इसको हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ बन जाती है, 6 - 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पहले जो नंबर्स आए हैं पहले आप उसको राइट कर लीजिए, या फिर क्या कीजिए सबको एक तरफ कर लीजिए, एक्स वाले टर्म एक तरफ और नंबर्स एक तरफ। तो देखो यहाँ पर आपके पास एक्स है ये लिखा हुआ, 10x को इधर ले गए प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का हो गया, ये 9x प्लस का था इधर ले गए तो माइनस का हो गया, तो ये माइनस का हो गया, और सब नंबर यहाँ पर 8 और प्लस का 2 हो गया, -6 पहले से लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 6 ये रहा, तो -6 - 6 हो जाएगा, 8 पहले से लिखा हुआ है आपके पास, और ये माइनस का 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास सारे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 10 और 1 11 हो गया, 11x - 9x कितना हो जाते हैं 2x, तो देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया गया 2x हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 8 और 2 10 हो गए, 10 - 12 यहाँ पर 6 6 12 हो गए, तो माइनस का 2 बचेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x = -2, और x की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2 / 2 2 - 2, x की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से हमको करना है। अगर इसको चेकिंग करना होगा तो x का जो वैल्यू आया है वो आप दोनों साइड रख दीजिए, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं तो आपका आंसर सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो थर्ड मेथड है हमारे पास यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन विद फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस अगर होंगे तो उस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है। तो यहाँ देख लेते हैं आप, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है, तो 2 3 का एलसीएम आ जाएगा 6 आपके पास। तो हम क्या करेंगे 6 बनाने के लिए दोनों को देख लीजिए क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन तो ये है कि आप इसको जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख लीजिए यहाँ पर भी प्लस लगा कर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दोनों साइड में इक्वल के दोनों साइड हमें क्या करना है, हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 जा हो जाएगा, तो 3x + 2x हो गया और 60 आ जाएगा। 3 2 5 होते हैं तो 5x = 60, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 60 अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 12 5 जा 16 होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई
12 आ गई है, ये आपका आंसर होता है। अगर चेकिंग करनी होगी तो जहाँ पर आपको ये एक्स की वैल्यू 12 है तो इस वैल्यू को वहाँ रख देंगे जहाँ पर एक्स दे रखा होगा। तो एक्स कहाँ दे रखा है, मैं यहाँ दे रखा है। तो देखिए 12 अपॉन 2 कीजिए और 12 अपॉन 3 कीजिए, इसको ऐड करते हैं, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और देखो राइट साइड में क्या है, 10 है, 10 इक्वल टू 10 हो गया, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो ये चेक भी कर सकते हैं आप। इसी तरह से ये वाला एग्जांपल नंबर 3 है, इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, 3, 2, 4, 6 इन सब का एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम निकालना आपको आता है, अलग से निकाल लीजिएगा 12 आ जाता है। तो 12 से आपको सबको कंप्लीट एक्सरसाइज को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो बन जाता है वो इक्वेशन ये बन जाती है। इसमें आपको सबको एक्स को एक तरफ कर लेना है, नंबर्स को एक तरफ कर लेना है, तो ये हमने वही काम कर लिया है, ठीक है। उसके बाद सारे एक्स देख लीजिए क्या है, 8 और 21 क्या है, प्लस के हैं, तो 29 हो गए, माइनस 6 कितने हो गए, 23, तो 23x हो गया। और यहाँ पे 26 माने थे, 20 हो गया, 23 हो गया, 23x इक्वल टू 23, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 अपॉन 23, ठीक है। तो 23 बन जा 23, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है हमारे पास, ठीक है। इसको भी चेक करना होगा, तो आप लेफ्ट साइड में x की वैल्यू जो बनाई है वो 1 पुट कर देंगे और सॉल्व करके देखेंगे, तो आपके पास ये आंसर आएगा जो राइट साइड में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को राइट कर लेना है, ठीक है। 25 को क्या लिख लिया आपने, 0.25 को 25/100 लिख लिया, ऐसे यहाँ पे 0.05 था तो 5/100 कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 100 को 100 से कट भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसको आप कट कर लीजिएगा, 25 बन जा 25, 4 जा 5 बन जा 5, 2 जा, इस तरह भी कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक इक्वेशन ये बन जाती है। तो आप 4 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा, तो 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5, 4, 5 से आ जाएगी, 20 से 20 कट जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसको ओपन करने वाले हैं, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करेंगे, y को एक तरफ ले लेंगे, तो 20y माइनस 9y हो जाएगा, और नंबर्स को एक तरफ कर लिया, माइनस 9 प्लस 15 हो गया, तो 10y की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 15 माइनस 9 6 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6/10 हो जाती है, 2 से कट करेंगे आप, 2, 3 जा 2, 5 जा, तो 3/5 आपके पास आंसर आता है। पॉइंट में निकालना चाहें तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 0.6 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आंसर आता है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है टाइप 4 इक्वेशन, आपको इस तरह से दे रखी होगी, ax+b/cx+d=mn। तो यहाँ पर यानी ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमेटर में कुछ एक तरफ आपका प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 है, सॉल्व दिस वन, इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सबसे। तो इसमें क्या करना होता है आपको, देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को आप करेंगे ऊपर वाले मल्टीप्लाई और 2x-7 को करेंगे इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते ही 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इक्वल लगा देंगे बीच में और ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 3, 3 9 हो जाएगा, 3, 7 21 हो जाएगा, दोनों के बीच में प्लस है, 2, 2 4x हो जाएगा, माइनस लगा के 2, 7 14 हो जाएगा। एक्स को एक तरफ कर लीजिएगा, ठीक है, एक्स को हम एक तरफ कर लिया, इस एक्स को इधर ले गए, 21 को इधर ले गए, साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 9x-4x माइनस का 14 माइनस का 21, तो माइनस के 35 हो गए, 5x बचेगा, 9-4 जो होता है 5 होता है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -35/5, यानी 5, 7 जा 35 होते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -7 हो गई। चेक करना चाहें तो आप लेफ्ट साइड में ये 7 रख कर देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपके पास चेकिंग इस तरह से हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अब हम 7A एक्सरसाइज पर आ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, कुछ हिंट बता दूंगा आपको, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, सभी जैसे मैंने एग्जांपल कराए हैं बिल्कुल इसी तरह करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन राइट करने के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन राइट करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ कर देंगे, नंबर को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x-5x, क्लियर,
इक्वल टू 44 माइनस 14, तो 8 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितने बचेंगे आपके पास, 30 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 अपॉन 3 हो जाएगा, आ जाएगा कितना 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई है आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह से है, करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या कीजिएगा, क्वेश्चन राइट करने के बाद 5m माइनस 10m करेंगे और माइनस 3 माइनस 7 करेंगे, 7 को इधर कर दिया हमने, ठीक है, और 10 को इधर कर दिया, साइन चेंज कर दिए, 5 में से 10 माइनस करना, यानी माइनस का साइन आएगा और 10 माइनस 5 5 हो जाएंगे, माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस लगाकर दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m की वैल्यू हो जाती है आपके पास 10 अपॉन 5, यानी 5 टू जो 10, m इक्वल टू 2 आ गया, ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, मैं जो हार्ड क्वेश्चन के वो बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो 4 भी इजी है, उसके बाद 5 में देखिए क्या करना है, 5 क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेना है, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, 2 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो 12 प्लस 2 हो जाएगा, 2x की वैल्यू हमारे पास 14 हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, यानी 2 7 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है, ठीक है, x इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 क्वेश्चन, 7 भी इसी तरह से है, 7 कर लीजिएगा, 7 है ना, 7 इजी है, 6 भी इजी है, 8 भी इजी है, 8 में क्या करना है आपको, 8 में बता देता हूँ, चलिए 8 में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन राइट करना है, तो क्वेश्चन राइट करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 10 माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 टू ज़ा 18, ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 टू ज़ा 18 इज इक्वल टू 0, तो 5 माइनस 9 कितने होते हैं, माइनस का 4x, माइनस का 4x, और ये 8 और 18 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0, तो माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 28, दूसरी तरफ ले जाएंगे नंबर को, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 4x की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू, तो x इक्वल टू आ जाएगा 28 अपॉन 4 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी बेटा, ठीक है, इस तरह से करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेम इसी तरह से 9 भी आपका है, 9 10, देखो 10 में क्या है, 10 में आप इसको इस तरह कीजिएगा, 1 अपॉन 10 कर लीजिएगा, टी माइनस 3 कर लीजिए, और इसका हिंट बता रहा हूँ आपको, और 15 अपॉन 10 कर लीजिएगा, टी माइनस 4 कर लीजिएगा। अब क्या कीजिए, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इधर भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, तो टी माइनस 3 की वैल्यू क्या रह जाएगी, 15 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टी माइनस 15 फोर जो 60, ये आ जाएगी। अब 15 को आप इधर ले जाइएगा, 3 को इधर ले जाइएगा, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, 14 भी बिल्कुल सेम ऐसे, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए हम क्या करना है, 2, 3 और 6 का एलसीएम लेना है, 2, 3, 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3 जा 6 है ना, 2, 3 जा 6 होते हैं, 2 से जब 6 कटेगा, 6 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, 6 मल्टीप्लाई यहाँ भी, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो क्या क्या चीज़ आएगी, 3x आ जाएगा, प्लस 3, 2 जा 6 2x आ जाएंगे, 6, 1 जा 6 ओनली x आ जाएगा, इक्वल टू, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 6 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन जाना है, 3, 2, 5 और 6 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी बेटा, ठीक है, इस तरह से करना है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, सब इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, आपसे नहीं होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दीजिएगा, आपको हम PDF की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको बेटा नीट एंड क्लीन कर लेनी है अपनी नोटबुक में। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF की हेल्प से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।